गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माय नेम इज सारिका। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू इन मैरीगोल्ड वर्कबुक। स्टैंड अप फर्स्ट, ओपन योर मैरीगोल्ड वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 97 to 98 एंड आई हैव गिवन यू इन होमवर्क। टुडे कंटिन्यू अगेन पेज नंबर 100। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 100। टिक मार्क, write the things that you see on a tree। अब हमको ट्री पे जो चीज़ दिखाई देती है उसको आपको टिक करना, राइट करना, ठीक है। तो बर्ड आपको दिखाई देती है ट्री पे, यस, तो इसको टिक करो। फिर मनी दिखाई देता है आपको, रुपया कॉइन दिखाई देता है, झाड़ पे नहीं, तो नहीं करना है। मंकी, यस, मंकी भी झाड़ पे आपको दिखाई देते हैं क्योंकि मंकी झाड़ पे होते हैं। केक झाड़ पे नहीं होता है। बर्ड्स नेस्ट, अभी चिड़िया का घोंसला तो होता है, चिड़िया होते हैं तो चिड़िया का घोंसला भी झाड़ पे रहता है, तो यस, टिक करो। पेंसिल, नो। बुक्स, नो। एप्पल, अभी एप्पल का झाड़ होगा तो एप्पल तो होगी उसमें, बराबर, झाड़ में तो एप्पल्स होते हैं इसलिए वो टिक करो। लायन, नो। फिर काइट भी होता है, पतंग, अगर हम चकाने के बाद पतंग झाड़ में फंस जाता है तो हमको काइट दिखाई देता है ना, ठीक है। फिर लीव्स तो होते हैं पत्ते झाड़ में। फिर बोट नहीं होता। एलिफेंट भी नहीं होता है। स्क्विरल होते ऊपर नीचे झाड़ में भागते रहते स्क्विरल। और बी हिप्स बोले तो मधुमक्खी का छत्ता, वो भी झाड़ पे होता है, ठीक है। तो ये सब जो टिक करा है वो सब झाड़ पे आपको मिलेंगे, ओके। और जो टिक नहीं किया है वो सब नहीं होते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 101। Do you know how seeds grow into a plant? आपको पता है कि सीड्स कैसे ग्रो होते हैं, उगते हैं, प्लांट्स कैसे बनते हैं और प्लांट धीमे धीमे ट्री कैसे बनता है? तो लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी पहले हम पिक्चर्स देखेंगे। पहला पिक्चर क्या है? द सीड्स स्प्राउटेड, मतलब सीड फूट रहा और लीव्स उगा उसमें से। आई पुट सॉइल इन द पॉट, सबसे पहला हम क्या करेंगे पॉट में? सॉइल बोले तो मट्टी, हाँ, गीला मट्टी डालेंगे उसमें, बराबर, पॉट में। उसके बाद हम क्या करेंगे? आई वॉटर सीड। सेकेंड नंबर क्या होगा? आई प्लांट द सीड। अभी गीली मट्टी डालने के बाद हम क्या करते हैं उसके ऊपर? सीड्स डालेंगे, कोई भी सीड्स हो, रोज का हो, लीफ पुदीना हो, जो भी आपको सीड्स में उगाना है, जास्मिन हो, लिली हो, कोई भी, उसके सीड्स इसमें डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा? वो धीमे धीमे उगने लगे। फिर हम क्या करेंगे सीड्स डालने के बाद? पानी डालेंगे उसमें, ठीक है ना। पहले हम क्या डालेंगे पॉट में? मट्टी डालेंगे, सॉइल, उसके बाद सीड्स डालेंगे उसके ऊपर से। फिर उसके बाद क्या करें? सीड्स ऊपर डालने से क्या, वो नीचे दबने जाएगा, उसमें क्या करना पड़ता है हमको? पानी डालना पड़ता है जिससे वो मट्टी के अंदर मिक्स हो जाए सीड्स। तो आई वॉटर द सीड्स, तीन नंबर। अब फोर नंबर में क्या आएगा? अब जब सीड्स को सनलाइट आएगा उसके ऊपर, सीड्स के ऊपर सनलाइट दिखेगा तो सीड्स धीमे धीमे उगने लगेगा, फूटेगा, फूट के धीमे से उसमें से क्या निकलेगा? स्प्राउट निकलेगा। फिर धीमे से झाड़ स्टेम निकलेगा, फिर धीमे से लीव्स तैयार होगा, ऐसा धीमे धीमे प्रोसेस होगा। अभी क्या होगा उसके बाद? जब सनलाइट मिलेगा, वाटर मिलेगा, रेन मिलेगा तो वो धीमे धीमे उगने लगता है, देखो ऐसा स्प्राउट, द सीड्स स्प्राउटेड। क्या हो गया? सीड्स धीमे से फूटा बीच में से, और क्या हो गया उसमें से? क्या निकला? ब्रांच, छोटा सा स्टेम निकला प्लांट जैसा, और उसमें लीव्स आ गए, आगे ना। अब लास्ट में क्या होता है? फिर धीमे धीमे वो सनलाइट, फिर बारिश आने लगती है, फिर सन होता है, पानी हम डालते हैं, उससे क्या होता है? धीमे धीमे वो सीड्स अच्छे से बड़ा हो जाता है, स्टेम में आता है, एकदम प्लांट की तरह उगने लगता है। उसके बाद उसमें लीव्स आने लगते हैं और धीमे से क्या होता है? लास्ट में फ्लावर्स आता है जिससे वो प्लांट कंप्लीट हो जाता है, प्लांट उग जाता है ना। पहले सीड्स होगा, मट्टी डालेंगे, फिर सीड्स डालेंगे, फिर उसके ऊपर पानी डाल के उसको रखेंगे, उसके बाद दूसरे दिन जब सन शाइन होता है, उसका रेस उस पर पड़ेगा सनलाइट, तो वो धीमे धीमे से स्प्राउटेड हो जाएगा सीड्स, उसके बाद झाड़ उगेगा, ओके। तो आज हम कंप्लीट करते हैं पेज नंबर 100 and 101 into वर्क बुक। आई हैव कम्प्लीटेड दिस, यू विल डू इन होमवर्क, ठीक है। आई विल कम्प्लीट नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू इन टेक्स्ट बुक। ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ।
न्यू चैप्टर है ये टेक्स्ट बुक में। ओके, मुदलीस मैंगो ट्री। मुदलीस मैंगो ट्री बोले तो एक फार्मर है, उसका नाम है मुदली, और वो कौन है, खेती बाड़ी करता है, उसके पास क्या है, मैंगो ट्री। क्या है उसके खेत में, मैंगो ट्री। तो हम आज ये लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद बुक में लिखेंगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन द लेसन नाउ। वन डे मुदली एट अ मैंगो। अब एक दिन क्या हुआ, मुदली छोटा था तो क्या किया मुदली ने, मैंगो खाया। ही थ्रो द सीड्स बिहाइंड हिज हाउस। उसने क्या किया, मैंगो खा के गुठली का डाल दिया पीछे, घर के पीछे डाल दिया उसने, मट्टी में ऐसा खेती में डाल दिया। मैनी ही थ्रो द सीड्स बिहाइंड हिज हाउस। उसे घर के पीछे वो गुठली फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत सालों बाद क्या हुआ, फिर ही सॉ ए प्लांट। अब वो गुठली में क्या हो गया, प्लांट उग गया। क्यों, क्योंकि उसके घर के पीछे क्या था, मट्टी था खेती जैसा। तो वो जब वो गुठली उसमें डालता है तो क्या होता है, मट्टी से उसमें मिक्स हो जाता है, सन रेज हो जाता है, पानी गिरता है, तो उससे क्या होता है, प्लांट उगने लगता है। ही वॉन्टेड वाटर द प्लांट एवरी डे। अभी जब वो प्लांट उगा तो उसने क्या किया, रोज़ अभी उसका ध्यान रखने लगा, रोज़ उसको पानी डालता है, आते सुबह शाम पानी डालेगा, फिर सनलाइट उस पर गिरेगा, और धीमे धीमे क्या होता है, वो प्लांट में ग्रो हो जाता है। द प्लांट ग्रू इंटू ए बिग मैंगो ट्री। अब जब छोटा हो जाता है उसके बाद धीमे धीमे उगता है, ब्रांच होते, लीव्स होते, फ्लावर्स हो जाते, उसके बाद धीमे धीमे वो ट्री बन जाता बड़ा सा। मैंगो ट्री बहुत बड़ा बनने के बाद क्या होता है, फिर उसमें मैंगोज आने लगते, स्वीट स्वीट मैंगोज आने लगते, कच्चे आम, जैसे हम अचार बनाते, पिकल्स बनाती है ना मम्मी, चूंदा बनाती है, मीठा अचार बनाती है, तीखा अचार बनाती है ना, उस सब कच्ची कैरी बनती है। और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो कच्ची कैरी क्या हो जाती है, मैंगो मीठा कैरी बन जाता है, जिससे हम आम रस बनाते हैं, आम खाते हैं ना, कैरी खाने लगते, कटिंग वाला खाते, जूस बनाते, रस पीते, अलग अलग वेराइटीज़ होता है। फिर आम पापड़ भी बोलते हैं उसको, वो भी बनाते हैं, उससे बहुत सारी वेराइटीज़ बनती है। ओके, एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। अभी हर समर, हर गर्मी में ना बहुत सारे मैंगो उगते हैं उसमें अभी। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। अब मुरली छोटा था तब उसने उसकी गुठली, मैंगो गुठली उसके घर के पीछे डालने से क्या हो गया, झाड़ हुआ एक। अब मुरली बड़ा हो गया, अब मुरली के बच्चे हो गए, तो मुरली उनको स्टोरी बताता है कि मैंने भी ऐसा मैंगो खा के हमारे घर के पीछे डाल दिया था, जिससे आज ये पेड़ उगा और बहुत बड़ा बन हो गया, और ये आज तुम्हारे काम आ रहा है, तुम इसके फल खा रहे हो, इसलिए हमें झाड़ उगाना चाहिए, जिससे झाड़ एयर पोल्यूशन दूर होता है। ओके, एवरी समर मैंगो मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। अब मुरली के बच्चे भी मैंगो खाते, मैंगो ट्री से, है ना। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 74। रीड द सेंटेंस एंड टिक राइट द राइट पिक्चर्स। मुरलीज एट ए, क्या खाता मुरली, बनाना या मैंगो, वन डे तो मुरली क्या खाता है, मैंगो। ही थ्रू द सीड्स के मैंगो बिहाइंड हिज हाउस। ही थ्रू द सीड। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ ए सीड्स या प्लांट। अभी बहुत सालों बाद वो क्या देखता है, महीनों के बाद, कि प्लांट उग रहा है। ठीक है, ही वाटर द सीड। अभी वो प्लांट को वाटर कर रहा है कि सीड को। ही वाटर द प्लांट एवरी डे। मैनी मैंगोस उग रहे या एप्पल्स उग रहे, एप्पल्स उग रहे या मैंगोज उसके झाड़ में, मैंगोस ग्रू ऑन द ट्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो राइट है उसको टिक करना। मुरली एट ए मैंगो। ही थ्रू द सीड। मैनी मंथ लेटर ही सॉ ए प्लांट। ही वाटर द प्लांट। मैनी मैंगोस ग्रू ऑन अ ट्री। ठीक है, अब ड्रॉ ए ट्री शोइंग लीव्स ब्रांच फ्रूट बर्ड्स नेस्ट एंड स्विंग्स। जैसे झाड़ पत्ते फ्रूट चिड़िया झूले घोंसले ये सब पिक्चर, झाड़ के पिक्चर पर ड्रॉ करके, एक झाड़ ड्रॉ करके उसने पत्ते ब्रांच चिड़िया घोंसला फ्रूट्स, एप्पल है तो एप्पल के फ्रूट बना दो, मैंगो बना दो, फिर उसमें नेस्ट बनाओ, नेस्ट में अंडे बनाओ, चिड़िया बनाओ, झूला बनाओ उसमें झाड़ में ऐसे। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, देखो
इस तरह से, एग्जांपल देते हैं आपको, इस तरह से झाड़ बनाना है, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करते हैं पेज 73 and 74 इन टेक्स्ट बुक, राइट इन होमवर्क, ठीक है। वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में मैंने आपको लेसन रीड कराया, एक्सप्लेन कराया, अब ये आपको होमवर्क में करना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू, गुड बाय।